हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म योद्धा के पूरे 11 दिनों के इंडियन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो हम जानेंगे इस मूवी ने अपने 11 दिनों में कितने करोड़ों के नोट छापे हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर योद्धा साल 2024 की मोस्ट ऑर्डर्ड फिल्म थी। इस एक्शन पैक फिल्म का रिलीज से पहले काफी बस था, लेकिन सिनेमाघर में दस्तक देने के बाद योद्धा बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास शुरुआत नहीं कर पाई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाई है। यहाँ तक कि होली की छुट्टी का भी इस फिल्म को कोई फायदा नहीं हुआ है। चलिए यहाँ जानते हैं योद्धा ने रिलीज के 12वें दिन यानी कि सेकंड मंडे को कितने करोड़ का कलेक्शन किया है। योद्धा के रिलीज से पहले जमकर प्रमोशन किया गया था। यहाँ तक कि फिल्म का पोस्टर भी आसमान में रिलीज किया गया। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग काफी धीमी रही। इसके बाद योद्धा को टिकट खिड़की पर अपनी पकड़ मजबूत करने में पसीने छूट गए। वहीं सहसा के बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा ने योद्धा में भी अपना एक्शन अवतार दिखाने की कोशिश, लेकिन इस बार दर्शकों को उनकी ये फिल्म कुछ खास पसंद नहीं आई। और इसी के साथ योद्धा के रिलीज के 2 हफ्तों में हालत खस्ता हो चुकी है। फिल्म की कमाई की बात करें तो योद्धा ने 4,10,00,000 रुपए से ओपनिंग की थी। इसके बाद फिल्म का पहले हफ्ते में 25,25,00,000 का कलेक्शन कर पाई। अब ये फिल्म रिलीज के दूसरे हफ्ते में एंट्री कर चुकी है, जहां दूसरे शुक्रवार योद्धा ने 90,00,000 की कमाई की, तो दूसरे शनिवार फिल्म की कमाई में 65% की तेजी आई और इसने 1,50,00,000 रुपए का कारोबार किया। वहीं दूसरे संडे को फिल्म ने 6% के उछाल के साथ 1,60,00,000 रुपए की कलेक्शन की। वहीं अब इस फिल्म के रिलीज के 11वें दिन की कमाई के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक योद्धा ने अपने 11वें दिन 1,70,00,000 रुपए का कलेक्शन किया है। इसी के साथ योद्धा की 11 दिनों की कुल कमाई अब 30,95,00,000 रुपए की हो चुकी है। तो गाइस, आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही जरूरी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।